दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको हम KDSL थ्योरी भी कहते हैं। तो आइए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ द सॉल्वेंट। ईच सॉल्वेंट इज कंसिडर्ड टू कंसिस्ट ऑफ एन एसिडिक पार्ट एंड ए बेसिक पार्ट एंड ऑन ऑटो आयनाइजेशन इज स्प्लिट इनटू दीज टू पार्ट्स एसिडिक पार्ट एंड बेसिक पार्ट। इसका मतलब एक सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्वेंट के सेल्फ आयनाइजेशन पर बेस्ड रहता है। अगर हम किसी भी सॉल्वेंट की बात करें तो उस सॉल्वेंट में एक एसिडिक पार्ट रहता है और एक बेसिक पार्ट रहता है। यहाँ पर सॉल्वेंट का जो एसिडिक पार्ट रहता है वो कैटायन रहता है और जो सॉल्वेंट का बेसिक पार्ट रहता है तो वो एनायन रहता है। तो जब वो सॉल्वेंट ऑटो आयनाइज होता है तो वो ऑटो आयनाइज होकर के इन्हीं दोनों पार्ट में टूट जाता है, मतलब वो एसिडिक पार्ट बनाता है और बेसिक पार्ट बनाता है। अब इसके आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ए सब्सटेंस दैट इंक्रीजेस कंसंट्रेशन ऑफ द एसिडिक पार्ट ऑफ द सॉल्वेंट बिहेव्स एज एन एसिड, सिमिलरली द सब्सटेंस दैट इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ बेसिक पार्ट ऑफ द सॉल्वेंट बिहेव्स एज ए बेस। तो इसका मतलब है कि जब हम सॉल्वेंट में किसी भी सब्सटेंस को डालते हैं और अगर वो उस सॉल्वेंट के एसिडिक पार्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है तो वो एक एसिड रहता है, और इसी तरह से अगर हम किसी भी सॉल्वेंट में कोई ऐसा सब्सटेंस डाल दे जो उसके बेसिक पार्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दे तो वो एक बेस रहता है। तो इसको हम शॉर्ट में इस तरह से कह सकते हैं कि किसी भी सॉल्वेंट में दो पार्ट होते हैं, एक एसिडिक पार्ट और एक बेसिक पार्ट। एसिडिक पार्ट कैटायन होता है और बेसिक पार्ट एनायन रहता है। तो उस सॉल्वेंट में जब हम किसी ऐसे सब्सटेंस को डाल दे जो उसके एसिडिक पार्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दे तो वो एक एसिड रहता है, और अगर हम कोई ऐसा सब्सटेंस डाल दे जो उसके बेसिक पार्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दे तो वो एक बेस रहता है। तो ये तो इसकी थ्योरी के बारे में हो गया। अब आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर हमने पहला एग्जाम्पल लिया है लिक्विड अमोनिया का। यहाँ पर आप अमोनिया के ऑटो आयनाइजेशन को देख सकते हैं। यहाँ पर अमोनिया के दो मॉलिक्यूल ऑटो आयनाइज होकर के NH4+ और NH2- का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर NH4+ एसिडिक पार्ट होता है और NH2- बेसिक पार्ट रहता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो कैटायन है वो एसिडिक पार्ट है और जो एनायन है वो बेसिक पार्ट है। अगर हम यहाँ पर लिक्विड अमोनिया में कोई ऐसा सब्सटेंस डाल दे जो अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ा दे तो वो एक एसिड होगा, और अगर हम ऐसा सब्सटेंस डाल दे जो उसमें एमाइड आयन मतलब NH2- आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ा दे तो वो एक बेस होगा। तो आइए उसका एग्जांपल देखते हैं। अगर हम यहाँ पर लिक्विड अमोनिया में अमोनियम क्लोराइड को डाल देते हैं तो वो अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है, मतलब वो सॉल्वेंट के कैटायन की कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है, इसलिए ये एक एसिड की तरह से बिहेव करता है। और अगर हम यहाँ पर लिक्विड अमोनिया में सोडा वाइट मतलब NaNH2 को डाल देते हैं तो वो लिक्विड अमोनिया के एनायनिक पार्ट मतलब NH2- आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है, तो इसलिए ये लिक्विड अमोनिया में बेस की तरह से बिहेव करता है। ये तो लिक्विड अमोनिया का एग्जांपल हो गया कि लिक्विड अमोनिया में अगर हम अमोनियम क्लोराइड डाल दे तो वो एक एसिड की तरह से बिहेव करेगा क्योंकि वो अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा है, और अगर हम यहीं पर सोडामाइड को डाल दे तो वो एक बेस की तरह से बिहेव करेगा क्योंकि वो एमाइड आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा है। ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया। आइए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया है POCl3 का। तो यहाँ पर POCl3 जब सेल्फ आयनाइज होता है तो वो POCl2+ और POCl4- का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर POCl2+ एसिडिक पार्ट रहता है और POCl4- बेसिक पार्ट रहता है। अब अगर हम इसमें कोई ऐसा सब्सटेंस डाल दें जो POCl2+ की कंसंट्रेशन को बढ़ा दे तो वो एसिड होगा, और अगर वो POCl4- की कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है तो वो एक बेस होता है। तो यहाँ पर अगर हम POCl3 में FeCl3 मतलब फेरिक क्लोराइड को डाल देते हैं तो वो POCl2+ को बनाता है, मतलब वो यहाँ पर सॉल्वेंट के कैटायन की कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है, इसलिए POCl3 में FeCl3 एक एसिड रहता है। और अगर हम यहीं पर टेट्रामेथाइल अमोनियम क्लोराइड को ले लें तो वो POCl3 में POCl4- आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है, मतलब वो सॉल्वेंट के एनायनिक पार्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, इसलिए ये एक बेस रहता है। ये तो दूसरा एग्जाम्पल हो गया। अब आइए तीसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारा सॉल्वेंट N2O4 है, जब ये ऑटो आयनाइज होता है तो वो NO+ और NO3- का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर NO+ नाइट्रोसिल आयन होता है, यही इसका एसिडिक पार्ट रहता है, और यहाँ पर NO3- नाइट्रेट आयन रहता है, ये इसका बेसिक पार्ट रहता है। तो जब हम N2O4 में NOCl डालते हैं मतलब जब हम इसमें नाइट्रोसिल क्लोराइड डालते हैं तो वो NO+ आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है, इसलिए ये एक एसिड रहता है।
और अगर हम यहीं पर N2O4 में सोडियम नाइट्रेट को डाल दें तो ये नाइट्रेट आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है, मतलब ये एनायनिक पार्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, इसलिए ये N2O4 में एक बेस की तरह से काम करता है। ये तो इसका तीसरा एग्जाम्पल हो गया। अब आइए दो और सॉल्वेंट के ऑटो आयनाइजेशन और उसमें कौन एसिडिक पार्ट होगा कौन बेसिक पार्ट होगा उसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर हमारा पहला एग्जाम्पल है वाटर का। जब वाटर ऑटो आयनाइज होता है तो हाइड्रोनियम आयन मतलब H3O+ और हाइड्रोक्साइड आयन OH- का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन एक एसिडिक पार्ट रहता है और OH- आयन एक बेसिक पार्ट रहता है। तो अगर हम वाटर में कोई ऐसा सब्सटेंस डाल दे जो हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ा दे तो वो एक एसिड की तरह से बिहेव करेगा, और अगर वो OH- आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ा दे तो वो एक बेस की तरह से बिहेव करेगा। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पर वाटर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl या सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 या नाइट्रिक एसिड HNO3 इनको डालते हैं तो वो वाटर में हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं, इसलिए वो वाटर में एसिड का काम करते हैं। और अगर हम यहीं पर वाटर में NaOH या KOH को डाल दें तो वो हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब वो वाटर के एनायनिक पार्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं, इसलिए वो वाटर में बेस का काम करते हैं। और यहाँ पर हमारा अगला सॉल्वेंट है सल्फर डाइऑक्साइड। जब सल्फर डाइऑक्साइड आयनाइज होता है तो वो SO2+ और SO3 2- का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर SO2+ को थायोनिल आयन और SO3 2- को सल्फाइड आयन कहा जाता है। तो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड में कोई ऐसे सब्सटेंस जो उसके थायोनिल आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ा दे वो एक एसिड होगा, और अगर कोई सब्सटेंस उसके सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ा दे तो वो एक बेस होगा। तो अगर हम यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड में थायोनिल क्लोराइड को डाल देते हैं तो वो थायोनिल आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है, इसलिए वो एक एसिड का काम करता है। और अगर हम यहीं पर सल्फर डाइऑक्साइड में K2SO3 मतलब पोटेशियम सल्फाइड को डाल देते हैं तो वो सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है, तो इसलिए वो सल्फर डाइऑक्साइड में बेस का काम करता है। तो सॉल्वेंट सिस्टम को हम कुछ इस तरह से समराइज कर सकते हैं कि जब कोई भी सॉल्वेंट ऑटो आयनाइज होता है तो वो एसिडिक पार्ट मतलब कैटायन बनाता है और बेसिक पार्ट मतलब एनायन बनाता है। अगर हम उस सॉल्वेंट में कोई भी ऐसा सब्सटेंस डाल दें जो उसके कैटायन की कंसंट्रेशन को बढ़ा दे तो वो उस सॉल्वेंट में एसिड का काम करेगा, और अगर हम उस सॉल्वेंट में किसी ऐसे सब्सटेंस को डाल दें जो उसके बेसिक पार्ट मतलब एनायन की कंसंट्रेशन को बढ़ा दे तो वो उस सॉल्वेंट में बेस का काम करेगा। तो यही सॉल्वेंट सिस्टम ऑफ एसिड एंड बेस का कॉन्सेप्ट होता है। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक भी कंप्लीट होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।